के द्वार का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आप सब मुझे बताइए, क्या पिछले 15 सालों में पूरा प्रशासन ऐसे आपके पीछे घूमता था क्या? 15 सालों के लिए तो जनता कलेक्टरेट के चक्कर लगाती थी, लेकिन ये कमलनाथ जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो आपके सामने हाजिर होती है और आपका एक एक आवेदन एकत्रित होता है और एक एक आवेदन की ऑनलाइन पंजीयन हुआ किया जाता है। उसके बाद हमारा आप सबको आश्वासन है कि आपका एक भी आवेदन खाली नहीं जाएगा, उसका पूरा उत्तर कमलनाथ जी की सरकार आपको अगले 3 से 5 दिन में देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर्ष यादव जी लगातार आपके बीच घूमते रहते हैं, आपके जो भी काम होते हैं, चाहे वो काम बीपीएल का हो, चाहे काम पेंशन का हो, आप वो समय याद करो पिछले 15 साल में, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, ये सब 150-300 रुपए के बीच होती थी, लेकिन जब से सरकार कमलनाथ जी की बनी है ये पेंशन हमने दोगुना की, वर्तमान में 600 रुपए प्रति महीना है और 1 अप्रैल 2020 से यही पेंशन 1000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। प्रभुराम चौधरी जी यहां विराजमान है, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। पिछले 10 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों के ट्रांसफर किए हैं। पिछले 15 साल में ऐसे शिक्षक परेशान थे जो निवासी रायसेन जिला का था, उनकी पोस्टें कई विंध में थी, कई चंबल में थी, कई मां कौशल में थी। ऐसे 50,000 शिक्षक हैं जिनको प्रभुराम चौधरी ने उनके गृह जिले में पुनर्स्थापित किया है। ये कमलनाथ जी की सरकार है। मैं आपको आश्वासन